नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। आज हम लोग हैं हजारीबाग के यशवंत नगर में और यहाँ पे एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है आज मनोज यादव के द्वारा। आपको बता दें कि अब इनका परिचय देने का जरूरत नहीं है, आप जेबी केसेस के नाम से या फिर 1932 खतियान के नाम से तो इनको भली भांति जानते होंगे। तो आज यहाँ पे स्टूडेंट लाइब्रेरी खुला है और इनका उद्घाटन किया गया है मनोज यादव के द्वारा। वो सारी बातें बाद में जानेंगे, पहले कुछ चुनावी मुद्दों पर कुछ बातचीत हो जाए। मनोज जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी कि कल चतरा में जो होने वाला है सभा, आप लोग कहते हैं सभा जो होने वाला है आयोजित, और 1 तारीख को फिर चरही में जो आयोजित होने वाला है, वो कैसे कैसे हो रहा है और वहाँ पे कौन कौन से लोग शामिल होंगे? देखिए, चतरा में जो है सो ऐतिहासिक आपको महासभा हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, जितने भी 12-16 प्रखंड के लोग जो है सो पूरे, ये या तो ये कहिए कि हजारीबाग जिला से जो सटा हुआ जितना ब्लॉक है चतरा का, वो और पूरा चतरा जिला का जितना ब्लॉक है और उससे जो सटे हुए जितने जिले हैं, चाहे हजारीबाग हो, रांची हो, ये सब सारे जो है सो वहाँ पर सारे प्रखंड के लोग पहुँच रहे हैं। और वो भीड़ के बारे में तो आप जानबे करते हैं कि बताना नहीं है, हम लोग किसी दूसरी पार्टियों के द्वारा चूँकि मुर्गा दारू से बुलाते नहीं, इसलिए हम लोग गिन नहीं पाते हैं। हम लोगों का जो है स्वेच्छा से लोग, इतना लोग आता है जो, इसलिए अगर यदि कोई पूछता है बोल कितना लोग आएगा, तो हम लोग बोलते हैं हमारे गिनने थोड़े हैं, हम पैसा दे बुला रहे हैं जितना आदमी आएगा। ऐतिहासिक है, पूरे झारखंड के लोग आते हैं और ये चीज जो आपको देखने को मिलेगा बहुत ऐतिहासिक होगा। और अभी पूरे उपस्थित होने वाले हैं, हाँ, तमाम जो JBKSS के जितने भी बड़े वह लीडर्स हैं वो सारे हैं। और आप कुछ लीडर्स के नाम बता दें हमारे दर्शकों को। आप जयराम मात उभर के अभी तक बहुत सारे नहीं आए हैं, बहुत अभी देखिए इसलिए उभर करके नहीं आए हैं क्योंकि अभी हम लोग सबका यदि नाम लेना शुरू करेंगे तो हमारे पास इतने लीडर हैं जो, अगर हम ये अपमान नहीं करना चाहते हैं, हमारे सारे लीडर एक से एक हैं। किसी का एक का नाम लेंगे, किसी का छूट गया तो इसमें जो है कभी कभी बड़े का छूट जाएगा या छोटे का। इतना ही जानिए कि अभी मनोज यादव और आप उबा जयराम महतो जी को जान रहे हैं, उसके बाद जितने भी लीडर हैं हमारे बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, सारे लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। अच्छा, आप बताइए कि डुमरी से आप लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर लेकिन नहीं लड़ रहे हैं तो फिर उसका वजह क्या है, क्योंकि वो तो आप लोगों का गढ़ माना जाता है। देखिए, यही तो समझ में आप लोग जो है नहीं समझ में आए, मैंने क्या कहा था, मुझे सत्ता परिवर्तन करना है जी। अगर यदि मैं डुमरी चुनाव में एक बार जीत करके और वो भी 10 महीना के लिए, 11 महीना के लिए, ये तो हो गया छुछुंदर मार के मैंने हाथ गंधाने वाला काम। तो हम लोग छुछुंदर मार के हाथ नहीं गंधाना चाहते हैं, ये को सीट हम तो जीतिए जाएंगे वहाँ तो। अगर जीत जाते हैं तो अभी फिर सवाल शुरू कर दीजिएगा कि आप जो है सो सरकार के साथ हैं, पक्ष में है कि विपक्ष में है। अगर बोले कि नहीं सत्ता के साथ में है तो बोलिएगा आप मतलब JMM है, अगर यदि कहेंगे विपक्ष है तो बोलिएगा आप BJP हैं। तो ये वो हम क्या करेंगे, मुझे पूरा सत्ता चाहिए, हमको झारखंड में परिवर्तन करना है, लाखों जुआ जो हमारे भटक रहे हैं उनके सपनों को साकार करना है, किसान है, मजदूर है, उनके सपनों को साकार करना है, बाहर लोग जो है सो पैठ बना चुके हैं उस पैठ को हमको भेदना है। तो ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि हमारी सरकार नहीं होगी। इसलिए 2024 में जो हम लोकसभा और विधानसभा, सारे लोकसभा और सारे विधानसभा हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, फिलहाल आप बता दें कि 1 तारीख को जो चरही में होने वाला है उसका कैसे आयोजित होगा, उसका क्या क्या ये कारण है? आपको मैं बता दूं, 30 तारीख को नाला में है, 27 तारीख को अब बोले चतरा में है, 1 तारीख को चरही में है, 2 तारीख को रामगढ़ के कर्मा में है, 3 तारीख को, ये बता रहे ना कि अभी हमारे पास में पूरे, अगर यदि आप बात करिएगा तो साल भर का जो है शेड्यूल तय हो गया है। 1 महीना 2 महीना पहले लोगों को डेट लेना पड़ता है कि मतलब हमको कि इसके पीछे क्या कारण है, मतलब कि ये कह सकते हैं क्या कि लोगों को जाकर के एक तरह से आप बता रहे हैं अपने पार्टी के बारे में और इलेक्शन आ रहा है तो उसका उद्देश्य कह सकते हैं हम लोग? अरे जनता ऊब गई है इस सबको, बार बार हम नहीं बोलते हैं कि सबको 2000 से लेकर 2023 तक सबको दिए मौका, लेकिन सबने बनाया बोका, इसलिए 2024 में हम लोग मारेंगे चौका ही चौका, ये चीज को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, प्रदीप तिवारी ने कल हमारा उनसे वार्ता हुई थी तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने कहा था कि आप लोग ले करके तो चले थे 1932 खतियान को, लेकिन फिर आप लोग मुद्दे से भटक गए हैं और फिर आप लोगों की अभी जो मेन फोकस है वो इलेक्शन है, चुनाव है। देखिए,
जो बोल रहा है वो लोगों को न पच रहा है, बात बता रहे ना। विपक्षी है न कुछ मिलेगा, कितनों बढ़िया काम करेंगे हम, उस सब का काम में है आलोचना करना। हम लोग बढ़िया बढ़िया काम करते जा रहे हैं। अरे भाई तो जो आप जो बोल रहे हैं वो मुद्दे से भटक गए, तो वो उसका सभा हम लोगों जैसा सभा हुआ तब किससे? आप जो है सो 19 और 20 का कंपेरिजन होता, आप अलाई बलाई जो है सो आदमी को उठा करके आप पूछ ले चलिएगा और वो बोलते चलेगा, तो हम थोड़े ना उसका जवाब देते चलेंगे। आप बताइए कि क्या वो जो आप नाम बताए, ये तो सिर्फ आप ही के नाम से सुने और अभी भूलियो गए हम, क्या नाम आप बताया सो हम नहीं जानते हैं। इनका कभी काफी चर्चा में चल रहा था इनके बयानों के वजह से। ये बयान आप मुख्यमंत्री को गाली देने लगेगा लोग, प्रधानमंत्री को गाली देने लगेगा लोग, तो फेमस हो जाएगा का? ये आप बताइए ना, वो हमारे इक्विवेलेंट हैं, मेरे बराबर हैं, मेरे बराबर सभा किए हैं, जयराम महतो के बराबर हैं, जयराम महतो के बराबर वो अपना कद ऊंचा कर लें फिर वो मेरे पर उंगली उठाएं, उसके बाद में हम उसका जवाब देंगे। ये जो है आप राह चलते आदमी किसी से आप पूछ लीजिएगा, तो या आप चर्चा में अगर आप उन्हें आम लोग कह रहे हैं तो फिर आम लोगों की भी राय तो उतनी जरूरी है। देखिए तो आपको मैं बता दूं मैडम, जो सच है कभी भी हम 100% को हम खुश नहीं रख सकते हैं। एकाध दो आदमी को जलन होता है, लेकिन अगर यदि वह ये प्रजातंत्र में 51% जिसका होता है ना उसकी सरकार होती, 49% रहता है ना उसकी सरकार नहीं होती। यहाँ हमारे पास 90% है। ये आप किसी भी छात्र से पूछिए क्या क्या हम लोग गलत करते हैं। आप हजारीबाग में देखिए क्या, अगर यदि हम गलत करते तो वो जो आप हजारीबाग का भीड़ देखे होंगे, बलियापुर का भीड़ देखे होंगे, और आपको 27 तारीख को आपको पुनः हम हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि वहां पर आप जा करके भीड़ देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप प्रदीप तिवारी ना क्या बोले वह उनसे जा करके बात करिएगा, तब ये ज्यादा अच्छा लगेगा कि अगर यदि वो मुद्दे से भटक गए तो इनकी जनता इनके साथ क्यों दे रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि उन लोगों को नहीं पच रहा है और वो जरूर बाहरी होगा, ये भी हम बता देना चाहते हैं। झारखंडी मेरा आलोचना नहीं कर सकता है, इतना तो हमको पूरा तरह से विश्वास है, क्योंकि झारखंडी को पता है कि ये ना ही 1932 छोड़े हैं ना ही मैंने 60-40 छोड़ा है, हम अपने मुद्दे। लेकिन हम क्या करें, रोड पर खाली मार खाते रहे? सत्ता चाहिए तब हम परिवर्तन करेंगे, सिर्फ लाठी खाते रहेगा लड़का लोग और पढ़ करके बर्बाद होते रहे। 4 साल से ये लाइब्रेरी हम क्यों खोल रहे हैं? ये लड़का लोग अभी पढ़ने के लिए आता, ये दूसरा बैच होता अभी तक की सबको नौकरी हो जाना चाहिए, 4 साल से एगो नौकरी नहीं निकला है, तभी तो हम लोग ये सब ये कर रहे हैं। इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप एक बार की सभा में तो आइए मैडम, और आपसे चूंकि आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है, और हमारा अनपढ़ भी साथ दे रहा है। देखिए जनता क्या सोचती है, जनता भी क्या समझती है, ये सारे चीजें तो इलेक्शन के टाइम, चुनाव के टाइम आपके सामने आ ही जाएगी। अभी आप जो बोल रहे प्रदीप तिवारी या फिर अगर कोई भी आम व्यक्ति आकर के अगर आपके बारे में कुछ कहता है, उसकी राय उतनी ही हम लोगों के लिए मान्यता देती है जितनी एक आम व्यक्ति की। नहीं हो सकता है आपको पैसा दे बुलवाया होगा। आप पत्रकार पे ये कैसे इल्जाम लगा सकते हैं बिना कुछ आपके आपके बिना सबूत रहे? नहीं नहीं नहीं, आप पत्रकार पर मैंने बोला नहीं, आपने आप बोला कि पैसा हो सकता है उसको पैसा दे करके बुलवाया होगा, आपको थोड़े बोल रहे हैं मैडम। आप तो अभी पत्रकार पर हम इल्जाम लगाए, हो सकता है जो आप तो मेरे खिलाफ नहीं बोले, जो आपने बोला हमारा काम है सच्चाई को दिखाना, हम हर बार वही करते हैं। यही ना बोले कि जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं वो आरोप आपने मुझे बताया, तो इसमें आप पर मैंने उंगली नहीं उठाया। देखिए अब अगर उनको किसी ने पैसा दे करके भी बुलवाया होगा ऐसा कि आप ऐसा बोलो, तो वो चीज हमें तो नहीं पता होगी ना। नहीं नहीं तो हमारे सामने तो हमारे सामने तो वही बात रखी है उन्होंने, जो उनका इच्छा था, जो उनका मन था वही, और हम लोगों ने वो लिया क्योंकि उनकी बयानबाजी 40 को लेकर के 1932 खतियान को लेकर के आए दिन चर्चे में आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा एक बार उनसे वार्ता कर लेना उतना ही जरूरी है जितना आपसे बात करना जरूरी है। आप हर एक व्यक्ति से, आप पत्रकार जो होता है किसी व्यक्ति का नहीं होता है, किसी वार का ये नेता का नहीं होता है, जो सही है जो सच है उसका साथ देता है वही सही पत्रकार है, और आप लोगों पर विश्वास है कि आप सही बात को बोलते हैं। लेकिन बात है मैं जो बोलने वाले, आप ही बताइए कि आपसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे खफा होंगे, पत्रकार में ही आपका भी हो सकता है कोई दुश्मन हो, तो राजनीति में भी ऐसा होता है
कुछ लोग हमारे विपक्षी होंगे, तो उनकी बातों को आप हमको बताए बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये बात आप जानिए कि आप जन समर्थन को देखिए, उसके बाद में जैसा बोलिएगा करेंगे जरूर। ये तो चुनाव के टाइम हम लोगों को पता चल जाएगा कि कैसा आप लोगों को समर्थन मिला है। अगर मिला तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी चाहते हैं झारखंड बदले। और अगर नहीं मिला तो सारी बातें सामने आ जाएंगी क्या क्या चीजें थी। फिलहाल इस लाइब्रेरी के बारे में हम थोड़ा सा इनके डायरेक्टर से बात कर लेते हैं ना। आप लोग इसे कौन बताएंगे? हाँ बता दीजिए, इस लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी मेरा लाइब्रेरी स्टूडेंट लाइब्रेरी है, ठीक है। मैं डायरेक्टर निर्मल कुमार यादव। मैं बच्चों को देखते हुए थोड़ा सा, इधर के बच्चे जो हैं आपस, इधर आसपास कहीं लाइब्रेरी नहीं था, इसके वजह से मैंने इससे सोचा और यहाँ पे सामने लड़कों को ज़्यादा दूर जाने का कष्ट नहीं होगा और काफ़ी स्पेस है, 90 सीट का कैपेसिटी है, बाकी सारा माहौल है, डिस्कशन रूम है, ठीक है, वॉशरूम वगैरह सारा, मतलब जो स्टूडेंट को चाहिए जैसा माहौल, ये देखते हुए मैंने सारा माहौल को देखते हुए और फैसिलिटी को देखते हुए सारा अरेंज करवाया है। बस सबसे, हाँ सबसे बड़ी बात होता है ना मैडम कि बच्चे हमारे गांव से आते हैं, उनके पास में उतना पैसा नहीं होता है, जैसे तैसे एगो 500-1000 रुपया में वो एक रूम लेते हैं जहाँ पर पढ़ने की सुविधा नहीं हो पाती है, तो बेचारे वहाँ खाना बना करके खा तो जरूर लेते हैं, लेकिन एक माहौल पढ़ने के लिए वहाँ पर जो है अच्छा। अगर रूम में रहेंगे तो बहुत सारे लोग उनको बोल रहे गांव तरफ से वह आ जाते हैं कि तो हमको चलो बीमार पड़ गए हैं हॉस्पिटल ले चलो दिस दैट, लेकिन यदि जब वो लाइब्रेरी आ जाएंगे तो कम से कम जितने घंटे तक लाइब्रेरी में रहेंगे वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, और यहाँ पर डिसिप्लिन इतना अच्छा है कि लड़के सिर्फ पढ़ाई करेंगे, और जो अपना मुकाम के लिए आए हैं यहाँ पर हजारीबाग में कि हमको कंपटीशन फेस करना है, हमको सक्सेस करना है, और वो सुविधा ये लाइब्रेरी, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभात सर को, आरणली सर को, निर्मल सर को, दोनों सर को, कि आप जो है हजारीबाग में आप अलख जगाने का काम कर रहे हैं और शिक्षा का जो विकास कर रहे हैं, हम आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद और नमस्कार करते हैं कि आप हमारे बच्चे यहाँ पर चाहे तो जो भी तैयारी करें, सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनने का तैयारी कर रहे हैं, वो सब सारा यहाँ पर माहौल मिलेगा और चुपचाप सारी सुविधा से लैस है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। इस लाइब्रेरी से हम यही उम्मीद करेंगे कि छात्रों को एक नया माहौल मिले, और जेबी केसेस से यही उम्मीद करेंगे कि झारखंड को एक बदलाव मिले, एक नई दिशा मिले। फिलहाल तो अभी इतना ही, इसी के साथ आप देखते रहे एन4 न्यूज़ भारत।